दोस्तों, आपके अपने चैनल ब्रिचाल जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम यन एम एम एस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बच्चों हल करते हैं। 2017 का पेपर हल हो रहा है बच्चों, पार्ट वन हो गया है। पार्ट टू देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों दिया है, डी के एम एफ जे पी एच आई एस जे एच वी, नेक्स्ट हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब चारों ऑप्शन दिया है, चारों में आपको हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको बताया गया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होते हैं उनका प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब जैसे बच्चों देखिए, डी का कितना होता है बच्चों 4, के का कितना होता है बच्चों 11, एम का कितना होता है बच्चों 13, एफ का कितना होता है बच्चों 6, जे का कितना होता है बच्चों 10, और पी का कितना होता है बच्चों 16, एच का 8, आई का 9, एस का बच्चों कितना होता है 19, और जे का 10, एच का 8, वी का 22। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसमें कैसा क्रम बन रहा है। देखिए 2 था, 2 से क्या हुआ 4, 4 से 6, 6 से सॉरी 4 था 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10। अब क्या हो जाएगा अगली संख्या बच्चों, यहाँ पे 12 होगा। 12 किस अक्षर का होता है बच्चों, जे के दस होता है तो यल, 12 का क्या होता है बच्चों यल। ठीक है, अगला संख्या देखिए बच्चों, 13 था, 13 से क्या हुआ कम 10 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, तो एक कम हो जाएगा, 8 से कम होगा बच्चों क्या हो जाएगा 7। अब 7 किसका होता है बच्चों, 7 किसका होता है जी का, जी किसका कौन से स्थान पर होता है 7 के स्थान पर। अब यहाँ पर बच्चों देखिए जी एम कितना है 13, 16, 19, 22, मतलब तीन तीन बढ़ रहा है बच्चों। देखिए 16, 13 में 3 जोड़ दिए 16, 16 तीन 19, 19 में 3 जोड़ दिए 22, अब 22 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 25। अब 25 किसका होता है बच्चों y का, 25 किसका होता है y का। अब देखिए क्या आ गया ये यल जी वाई, यल जी वाई देखिए बच्चों किसका कौन सा ऑप्शन है, यल जी वाई आपका ऑप्शन नंबर देखिए यल जी वाई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। एक सीरीज दी गई अक्षरों की, अगली सीरीज यहाँ पूछ रहा है कितना होगा। देखिए क्या दिया है, पी एम टी ओ ओ एस एन आर एन क्यू आर एम एस क्यू, अगला संख्या क्या पूछ रहा है बच्चों क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक एक अक्षर देखिए, आप चाहे पूरा लिख के कर सकते हैं या एक एक अक्षर कर सकते हैं। पी का बच्चों देखिए कितना होता है 16 होता है, और ओ का कितना होता है बच्चों 15 होता है, और एन का कितना होता है बच्चों 14 होता है, और एम का कितना होता है 13। देखिए कम होता चला जा रहा है 16, 15, 14, 13, तो अगला कितना होगा बच्चों 12। अब 12 किसका होता है बच्चों यल का, किसका होता है यल का, 12 हो गया। अब देखिए यम पा यम कितना है बच्चों, यम 13 का होता है, यम किसका होता है बच्चों 13 का, और उसके बाद अब देखिए फिर ओ कितना होता है बच्चों 15, और क्यू कितना होता है बच्चों 17, और यस कितना होता है 19। देखिए 13 था, 13 से कितना हुआ 15, 2 बढ़ा 17, 19 2 2 बढ़ता चला जा रहा है, अब 19 2 कितना हो गया बच्चों 21। अब 21 किसका होता है बच्चों यू का, किसका होता है यू का, 21 हो गया। अब देखिए अगली संख्या क्या होगी बच्चों, यहाँ देखिए टी का कितना होता है 20, और यस का कितना होता है बच्चों 19, आर का 18, क्यू का 17। देखिए 20, 19, 18, 17, तो अगला कितना हो जाएगा बच्चों 16। अब 16 किसका होता है बच्चों पी का, किसका पी का। अभी देखिए यही आपका आ गया क्या यल यू पी, अब देखिए यल यू पी कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देखिए यल यू पी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी, तो अगला संख्या यहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क अगली सीरीज क्या आएगी। तो चलिए देखिए बच्चों एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, डब्ल्यू है, डब्ल्यू को कितना कितना से प्रदर्शित करते हैं बच्चों 23 से, और टी को कितना से करते हैं बच्चों 20, पहला पहला अक्षर देख रहे हैं सबका, और क्यू देखिए बच्चों कितने से करते हैं 17,
कि 23 था बच्चों, 20 हुआ, 17 हुआ, मतलब तीन तीन कम होता जा रहा है। अब 17 में से तीन निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14। अब 14 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 किस अक्षर का होता है बच्चों, अब 14 देखिए किसका अक्षर, किस अक्षर का होगा, यन का। 14 किस अक्षर का बच्चों, यन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यफ, देखिए यफ का कितना होता है, 6। यफ का कितना होता है दोस्तों, 6। जी का कितना होता है, 7। और यच का कितना होता है बच्चों, 8। अब आठ देखिए, 6, 7, 8, अगली संख्या क्या होगी, 9। 9 किसका होता है बच्चों, आई, किसका होता है दोस्तों, आई का, ठीक है। देखिए बी क्या है, देखिए दोस्तों बी वाला देखिए क्या, बी का कितना होता है, 2। और डी का कितना होता है बच्चों, 4। अब डी के बाद क्या आ गया, जी, जी का कितना होता है, 7। उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी बच्चों, 2 था, 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, अब 7 देखिए पहले 2 बढ़ा बच्चों, देखिए यहाँ 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, अगली बार कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7, 4, 11, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 11, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 11। 11 किसका होता है बच्चों, के का, किसका होता है, के। तो क्या आ गया यहाँ पे, एन आई के। अब देखिए कौन सा सही होता है, एन आई के कौन सा बच्चों, आपका एन आई के, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है आपको, देखिए 4 सीरीज दी है बच्चों, आपको बताना है, देखिए 3 सीरीज दी है, तो इसमें आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों किस तरह से इसको भरा गया है, देखिए यहाँ पे 1 है, 5 है, 3 है, तो बीच में कितना है, 35 आ गया। यहाँ 3 है, 7 है, 9 है, तो कितना आ गया बच्चों, 139। यहाँ 11 है, 1 है, तो 3 कितने यहाँ पे कितना होगा। अब देखिए बच्चों 35 आया कैसे, अब देखिए बच्चों 35 आने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब जितने जितने त्रिभुज के जो शीर्ष पे हैं, जो अंक दिया गया है, उसको क्या करेंगे बच्चे, जो स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब सबका स्क्वायर देखिए बच्चों कितना होगा, 1 का 1 प्लस 3 त्रिक्का 9 प्लस 5 पचे 25, कितना आ गया बच्चों, 1, 9, 10, 10 और 25 कितना हो गया, 35, कितना आ गया, 35 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 35 है ना, अब यहाँ ऐसे करेंगे बच्चों, देखिए 7 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर, अब सबका स्क्वायर करके क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, 49 प्लस 9 का करेंगे तो 3 का करेंगे 3 त्रिक्का 9 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9, 81। अब सबका जोड़ दीजिए बच्चों के, देखिए 9, 9, 9, 18, 19 का 9 हो गया, देखिए 8 और 8, 4, 12 और हासिल 13, देखिए 139 हो गया ना। अब यहाँ पे बच्चों ऐसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब सब तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक्का 9 धन 11 का स्क्वायर 111 में 121, जोड़ दीजिए 121 प्लस 9 कितना हो गया, 130 और 1 131, कितना आ गया, 131। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना भरा जाएगा बच्चों, 131, ठीक है। देखिए आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सॉरी हम भूल गए ऑप्शन लिखना, यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया गया है, ए क्या दिया गया है आपका, 131 दिया है, और बी कितना दिया है दोस्तों, 147 दिया है, और सी कितना दिया है, 121 दिया है, और डी कितना दिया है दोस्तों, 111। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 131 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, देखिए क्या है, 3 त्रिभुज दिए गए हैं बच्चों, इसमें आपको देखिए तीनों शीर्ष पे देखिए अंक दिया गया है और बीच में संख्याएं भरी गई हैं, तो यहाँ पे हमको आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक भरा जाएगा। देखिए बच्चों किस तरह से इसको भरा गया है, देखिए क्या है, 21 और कितना है, 46 और 18। अब देखिए बच्चों 85 कैसे आ रहा है, पहले चीज में 21 सोल्यूशन देखिए बच्चों, तो 21 प्लस 18 प्लस 46 तीनों को ऐड करिए, देखिए कितना आता है बच्चों, तो कितना होगा, 6, 8, 14, 14, 1, 15, तो कितना आ गया, 15 का 5 आ गया, हासिल लगा 1, और देखिए 4, 1, 5, 5, 2, 7, हासिल 1, 8, कितना आ गया, 85।
तो यहाँ पे बच्चों देखिए 85 है, इसका मतलब क्या किया जा रहा है, अंकों को जोड़ा जा रहा है। इसको देखिए बच्चों कितना दिया है, 19 प्लस 76 प्लस 53, तो ऐड करिए देखिए बच्चों कितना आ रहा है, 9 9 6 15, 15 3 18, 18 का कितना आ गया 8, हाँ से लगा एक, 1 और 7 8 हो गया, 8 5 13 और हाँ से ले 14, कितना आ गया दोस्तों 148। देखिए यहाँ भी क्या है 148। अब इसमें भी ऐसे करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसको 23 प्लस 17 प्लस 60 ऐड करेंगे, देखिए कितना आता है, देखिए क्या है कि 3 7 3 10, 10 का 0 हो गया, 2 1 3 3 और 6 9 और हाँ से ले 10, कितना आ गया 100। यही हमारा क्या हो गया है आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, और इसके स्थान पर मतलब बीच में क्या भरा जाएगा 100। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या दिया गया है आपको, दिया है तीन, देखिए तीन आकृति त्रिभुज की बनी हुई है, जिसमें से क्या बच्चों देखिए दो में भरा गया है, आप तीसरे में आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, चारों में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए 5 है बच्चों, 15 है, 22, अब क्या करेंगे बच्चों 5 धन 15 धन 22 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, और क्या करेंगे जो आएगा बच्चों तीन अंक है तो तीन का क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे। अब देखिए ऐड करिए 5 और 15 20 हो गया बच्चों, 20 और 22 कितना हो गया 42, अब 42 में हम तीन का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 एक का 3 और यहाँ बचा एक 12 हो गया, 3 चौक 12 कितना आ गया 14, इसका मतलब क्या किया गया बच्चों अंकों को जो किनारे शीर्ष पे है उनको जोड़ के तीन का भाग दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों दूसरे में क्या है 9 धन 2 धन 7, अब तीनों को जोड़ के कितने का भाग देना है बच्चों तीन का दोस्तों, 9 2 11 11 6 11 7 18 कितना आ गया 18 बटे 3, अब 18 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 6, देखिए 6 आ गया ना। अब अगली संख्या देखिए क्या होता है, अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों इसको देखिए हल करिए, यहाँ दिया है 19 प्लस 11 प्लस 3, तीनों को जोड़ के कितने का भाग देना है तीन का, अब 19 और 11 कितना हो गया बच्चों 30, 30 और 3 33, तो मतलब कितना आ गया दोस्तों 33 बटे 3, 33 में 3 का भाग देंगे 3 एक का 3, 3 एक का 3, तो कितना आ गया आंसर बच्चों 11। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, तो इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा बच्चों क्वेश्चन के स्थान के 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्या दिया है दोस्तों, ए ए बी डैश डैश बी ए डैश बी सी डैश बी डैश, तो इनको हमको चारों में से बताना है कि कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम जो डायरेक्ट नियम बता दें हाँ कि यही नियम लगेगा, इसमें दोस्तों यही देता है देखा जाता है कि कौन सी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही है या सबसे ज़्यादा बड़ी सीरीज बन रही है। ठीक है, उसी को देख के हम इसको भरा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है देखिए, क्या ए देखिए क्या दिया है, ए बी फिर दो खाली स्थान है, बी ए फिर खाली स्थान है, बी सी फिर खाली स्थान है, बी फिर खाली स्थान है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सी सीरीज सबसे ज़्यादा बड़ी बन रही है। ठीक है, देखिए ए बी, तो इसमें क्या करेंगे हम सी सी अगर भर दे रहे हैं दोस्तों, सी सी फिर देखिए क्या होगा बी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ देखिए क्या होगा उसी का उल्टा सी बी ए, यहाँ पे अगर बच्चों देखिए सी भर दिया जाए तो क्या हो गया ए बी सी, देखिए यहाँ पे फिर भी अब यहाँ फिर सी भर दिया जाए क्या हो जाएगा सी बी ए, इसी का उल्टा हो गया ए बी सी फिर सी बी ए, अब यहाँ देखिए बच्चों क्या भर दिया जाए, तो यहाँ तक हो गया ए बी सी फिर सी बी ए, फिर देखिए यहाँ पे अगर ए भर दिया जाए क्या भर दिया जाए ए बी सी हो जाए, फिर अगर यहाँ पे बच्चों देखिए अब इसी का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर सी भर दिया जाए तो सी बी और यहाँ पे क्या भर दिया जाए ए, देखिए क्या बन गया ए बी सी, फिर यहाँ पे देखिए सी बी ए, फिर देखिए क्या बन गया ए बी सी फिर सी बी ए, तो दो सीरीज बन गई ना। तब देखिए क्या क्या भरा गया है, जो जो भरा गया लिख दीजिए, सी सी हो गया, सी और सी हो गया, फिर क्या भरा गया यहाँ बच्चों अगली संख्या ए, फिर अगली संख्या क्या भरा गया सी, अगली संख्या क्या भरा गया है ए,
तो देखिए कौन सी सीरीज मिल रही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है। एक हमको सीरीज दी गई है, इसमें हमको बताना है कि कौन कौन सी संख्या इसमें, कौन कौन सा अक्षर इसमें भरा जाएगा। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए दोस्तों इसमें हम यही आपको बताए हैं कि सबसे बड़ी जो सीरीज आपको दिख रही है उसी को कोशिश करिए कि वही रिपीट हो जाए। ठीक है, इसमें और कई नियम हैं लेकिन कोई सटीक नियम नहीं है। देखिए क्या है बच्चों, सी बी ए क्या बना है बच्चों, सी बी ए। अब आपको फिर यहाँ पे देखिए वही देखना है कि वही संख्या फिर अगली भी बार क्या हो, रिपीट हो, कि सी बी ए फिर क्या भरा जाएगा। अगर यहाँ पे हम सी भर दें तो क्या हो जाएगा, सी ए, फिर यहाँ पे अगर बी भर दें सी ए बी, क्या हो गया सी ए बी, फिर सी ए बी, यहाँ पे अगर देखिए बच्चों क्या भर दिया जाए, सी और यहाँ पे बी, तो देखिए सी ए बी एक हो गया, फिर दूसरा देखिए फिर सी ए बी, फिर देखिए यहाँ पे सी फिर खाली है बी है, तो यहाँ पे अगर क्या भर दिया जाए ए, तो एक देखिए और बन गया सी ए बी, फिर यहाँ पे देखिए सी बी है, बीच में अगर क्या खाली है क्या नहीं है ए, तो क्या हो गया सी बी ए। यहाँ भी बच्चों देखिए क्या है, सी ए खाली है तो यहाँ पे क्या हो गया ए, तो सी ए बी एक और बन गया। अब यहाँ देखिए ए बी है और क्या यहाँ भर दें सी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, देखिए ए बी सी ए बी सॉरी सी बी ए सी बी ए सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, तो देखिए क्या क्या भरा गया बच्चों, देखिए पहले क्या भरा गया सी, फिर क्या भरा गया बी, फिर क्या भरा गया ए, फिर क्या भरा गया ए, फिर क्या भरा गया ए, फिर क्या भरा गया सी। देखिए पहले क्या है सी, फिर बी, फिर तीन बार ए, फिर सी, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी, सी बी ए सी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। खाली स्थान बी ए ए, खाली स्थान बी ए ए, खाली स्थान बी ए ए ए, फिर खाली स्थान ए ए। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ी सीरीज कौन सी बन रही है। देखिए इसमें सबसे बड़ी सीरीज क्या है, यही है, क्या है बी ए ए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है दोस्तों, बी पहले खाली है, फिर क्या है बी ए ए, यहाँ पे देखिए कितनी बार ए है, तीन बार, तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, कौन सा अगर यहाँ पे हम ए कर दें तो देखिए क्या हो गया बी ए ए, एक सीरीज और बन गई ना बी ए ए ए। अब यहाँ पे देखिए क्या है ए ए ए है, यहाँ पे अगर बी और रख भर दें तो क्या हो गया बी ए ए, ये भी एक पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया है ए ए, तो यहाँ इसके आगे क्या नहीं है बी, देखिए बी ए ए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अगली संख्या ए बी ए ए। अब देखिए क्या आ गया सलूशन आपका क्या मिलेगा बच्चों, देखिए पहले क्या भरा जाएगा ए, फिर क्या है फिर ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है बी, तो क्या हो गया ए ए बी बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी ए ए बी बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको हमको ये प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि चारों में से कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है 3, 27, 9, फिर क्या है 2?4, फिर क्या है 4, 64, 16, देखिए कैसे भरा गया है दोस्तों। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है दोस्तों, गुणा किया गया है, गुणा करने पे जो आ रहा है वही में बीच में भर दिया गया है। जैसे देखिए 9 और 9 × 3, तो 9 × 3 = 27 कितना हो गया 27। अब इसी प्रकार देखिए इसको इसको आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है, अब कितना होगा 4 × 16 होगा, तो 16 × 64 कितना आ गया 64, तो यहाँ पे 64 हो गया। अब इसका इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 2, तो कितना हो गया 4 × 8, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी 8 सही हो जाएगा। ठीक है,